हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। डॉक्टर्स ने अपडेट दिया है कि वेंटिलेटर पर हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच उनका परिवार आगे आकर बार बार फैंस से यही कह रहा है कि आप सिर्फ दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और जल्द ही आप सबके फेवरेट राजू श्रीवास्तव आपके बीच में होंगे। हाल ही में राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने बाकायदा एक वीडियो अपने फेसबुक पर शेयर किया था और इसमें उन्होंने बताया था कि जल्द ही राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाएंगे और अपनी कॉमेडी की दुकान आपके सामने रखेंगे। ये जो उनकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट उनका परिवार दे रहा है, इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। खबर ये आई कि जिस आईसीयू में रखा गया है राजू श्रीवास्तव को, वहां पर अचानक से एक अनजान शख्स घुस गया और ये शख्स इसलिए घुसा क्योंकि ये राजू श्रीवास्तव का बहुत बड़ा फैन था। हालांकि निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से गलत है, निजता का हनन है और साथ ही साथ जो शख्स वेंटिलेटर पर रखा गया है, जो डॉक्टर्स की निगरानी में है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए शख्स रूम में घुसा, ये पूरी तरीके से गलत है, निंदनीय है और यही वजह है कि इस शख्स की आलोचना हर जगह हो रही है। परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रशासन से ये मांग की कि राजू श्रीवास्तव की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, ऐसे तो उनके कमरे में कोई भी घुस जाएगा और उनकी सेहत को इससे नुकसान हो सकता है। जिसके बाद अस्पताल का जो पूरा स्टाफ है वो राजू श्रीवास्तव की सुरक्षा में मुस्तैद हो गया। बताया जा रहा है कि गार्ड्स को उनके कमरे के बाहर तैनात कर दिया गया है और किसी को भी अगर अंदर जाना है तो गार्ड्स की परमिशन लेकर ही जाना होगा। वैसे ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये राजू श्रीवास्तव के फैंस को नागवार गुजर रहा है। फैंस में अस्पताल स्टाफ को लेकर खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस शख्स को पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जा रही है इससे, तो सामने यही आया है कि सेल्फी लेने के मकसद से घुसा था, लेकिन फिलहाल राजू श्रीवास्तव की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। बता दें आपको, ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे राजू श्रीवास्तव, अचानक से गिर पड़े थे, फिर उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था जहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था। फिलहाल उनका इलाज जारी है, जल्द ही वो स्वस्थ होकर बाहर आए, ऐसी दुआ और ऐसी उम्मीद की जा रही है। हाय, मैं हूं दीपू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव जी का छोटा भाई। नमस्कार मेरे मित्रों और राजू भाई के चाहने वालों। मन दुखी था, वीडियो बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि पिछले 2-3 दिन से कुछ बेशर्म लोग सोशल मीडिया में उठपटांग पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें और वो लोग बिना किसी परिवार वालों से बातचीत करके, बिना किसी वेरीफाई के उन्होंने अपने अपने पोस्ट किए। शायद उनके TRP का चक्कर होगा, उनके पेज को ज़्यादा लाइक मिलेंगे उसका चक्कर होगा, लेकिन ये सब देखकर मन विचलित हो गया और मैंने ये वीडियो बनाया। यही कहूँगा कि आप सबके चहेते हमारे बड़े भाई गजोधर भैया, राजू जी ICU में तो है ही हैं, एम्स हॉस्पिटल में है दिल्ली में, सभी जानते हैं, पूरा देश दुनिया हर जगह दुआ हो रही उनकी और आपकी दुआएं काम कर रही हैं। और देश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल एम्स और उसके भी सबसे अच्छे देश के डॉक्टर अपना 100% दे रहे हैं, अच्छी रिकवरी हो रही है और अच्छा इलाज चल रहा है, पूरे डॉक्टर्स की टीम लगी है, आप सबकी दुआएं काम कर रही हैं और रिकवरी भी हो रही है, तो उन झूठी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग दुआएं करते रहें, हमारे राजू भाई फाइटर हैं और बहुत जल्द ये जंग जीत कर आप सबके बीच बहुत जल्द आएंगे, अपनी कॉमेडी की दुकान खोलने, आप सबको हंसाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी दुआएं करते रहें, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और रिकवरी हो रही है और डॉक्टर्स की टीम लगी है और सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं और बहुत जल्द राजू जी हम सबके बीच आएंगे और आप लोग दुआएं दीजिए। यही कहने के लिए, यही वीडियो बनाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, तो आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, उठपटांग की खबरों पर विश्वास ना करिए। यूट्यूब फेसबुक में क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं और कौन डाल रहा है, इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। और जब परिवार वाले कोई खबर देंगे तो आप सबको मालूम होगा, अच्छा ही होगा और खुशखबरी बहुत जल्द आएगी। और ये कुछ बेशर्म लोग हैं जो खबरें यहाँ वहाँ फैलाते हैं वीडियो बना के,
और परिवार वालों के बिना बातचीत करके। तो हम सब यहीं पर हैं, पूरा परिवार दिल्ली में है और हॉस्पिटल में है, देखरेख सब डॉक्टर कर रहे हैं। तो आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें, बहुत जल्द राजू जी आएंगे हम सबके बीच हंसाने। धन्यवाद।